गाड़ी है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। वो बात में आपकी बात मान रहे हैं, नहीं नहीं रहता जी, ये कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है यार भैया, ये सही नहीं है। उनने चलो हम वो बात आपकी मान रहे हैं, उनने पहले ही हमें बरेली में कह दिया था कि भैया आपने माना क्यों, आपने माना क्यों है बात? नहीं बरेली में कहा कि दो घंटे के लिए रोक, दो सवारी के लिए आप ये मान लोगे, बस रोको ये मान लोगे, नहीं नहीं ये कोई ज्यादा समय की बात ही नहीं है ये। यार भाई उनकी नमाज पढ़ रहे हो, नमाज में यार क्या दिक्कत है यार आपको? यार हम भी यार हिंदू आदमी है, ऐसी हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात थोड़ी यार, ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, यहाँ यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात। एक बात बताओ मुझे, नहीं नहीं सारी बात छोड़ो, यहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है? सबसे बड़ी बात ये बताओ, यहाँ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है? सात छः बज के 45 मिनट में दो सवारी आई थी, मेरी गाड़ी में सवारी ज़्यादा ना होने के कारण उन्होंने दो सवारी बोली थी कि भैया दो मिनट के लिए गाड़ी कहीं रोक देना कि हम नमाज पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सवारी कम है तो मैंने कहीं रोक देंगे हम। तो इसके बाद हम गाड़ी लेके चले मिलक से आगे, एक धमौरा और मिलक के बीच में कुछ सवारी आई पेशाब करने के लिए, तो उन्हें हमने पेशाब भी कराई। तो मैंने कहा पेशाब कराने वक्त उन्हें बोला हमने, आप आगे गाड़ी मत रुकवाना, यहीं पेशाब कर रही सवारी, तो यहीं आप आ जाओ नमाज पढ़ लो। तो उनने जितनी देर में सवारियों ने पेशाब की उतनी देर में उनने नमाज पढ़ ली, दो मिनट के लिए गाड़ी रुकी थी वहाँ बीच सड़क पे ही वो लोग पढ़ने नहीं, वो अपने नमाज के लिए उतरे, सवारी पेशाब करने के साइड में गाड़ी रोकी, साइड में गाड़ी रोकी थी और साइड में ही उनने अपनी नमाज पढ़ ली दो मिनट। इसमें यह है कि बरेली डिपो की एसी जनरल बस थी जो कि दिल्ली जा रही थी, रास्ते में मेरे पास एक फ़ोन आया, मेरे पास भी आया, हमारे ARM है बरेली डिपो के, उनके पास भी फ़ोन आया कि बस को रोक लिया गया है, मतलब बस को रोका गया है, कोई नमाज पढ़ रहा है। तो इस पर कुछ यात्रियों ने आपत्ति जताई और मुझे कॉल भी किया, तो मैंने तत्काल ARM बरेली को निर्देश दिया कि तत्काल बस को रवाना करिए और उन चालक प्रचालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करिए। तो उन्होंने चालक को, चालक नियमित था उसको सस्पेंड कर दिया है और परिचालक संविदा था उसकी संविदा समाप्त कर दी।